झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने राजभवन को भेजे गए पत्र की कॉपी देने को इनकार कर दिया है। जी हां, आप सभी को बता दें कि खुद सीएम हेमंत सोरेन राज्यपाल के पास पहुंचे थे वो कॉपी मांगने के लिए, लेकिन वो साफ इनकार करते नजर आए राज्यपाल। लेकिन चुनाव आयोग ने भी अब ये कॉपी देने से इनकार कर दिया है पत्र की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के वकील वैभव तोमर ने बीते 1 सितंबर और 15 सितंबर को चुनाव आयोग को पत्र भेजा था और इस पत्र के माध्यम से उन्होंने सीएम से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आयोग द्वारा राजभवन को भेजे गए मंतव्य की कॉपी मांगी थी। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए साफ कहा कि संविधान की धारा 192(2) के तहत ये दो संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का मामला है, इसलिए इस मामले पर राजभवन का आदेश आने से पहले आयोग द्वारा अपना मंतव्य की कॉपी देना संविधान का उल्लंघन कहलाएगा। इस बात का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने पत्र की कॉपी देने से इनकार कर दिया। आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील को साल 2016 के उस ऑर्डर की कॉपी भी मुहैया कराई, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संविधान की धारा 103(2) और 192(2) से जुड़े मामले की कॉपी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 8(1)(m) और 8(1)(b) के तक कहीं ना कहीं नहीं दी जा सकती जब तक उस पर राष्ट्रपति या गवर्नर का आदेश नहीं दी जा सकती है। इसको लेकर 2 अगस्त 2022 को भी आयोग की तरफ से एक सर्कुलर जारी हो चुका है। जारी सर्कुलर की कॉपी भी सीएम हेमंत सोरेन के वकील को मुहैया कराई जाएगी, जिसमें कई बातों का उल्लेख किया जाएगा। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से अनगड़ा में पत्थर खदान आवंटित करने का मामला उठाया गया था। इसे लेकर राज्यपाल से मिलकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इसी मामले को लेकर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मंतव्य मामला मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने बीते 25 अगस्त को ही चुनाव आयोग के कहीं ना कहीं अपने मंतव्य राजभवन को भेज दिए थे। लेकिन इस मामले में राजभवन की तरफ से आयोग को कोई आदेश नहीं भेजा गया, जिसके बाद उसी दिन से झारखंड की राजनीति अस्थिरता से गुजर रही है। साथ ही इस मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार सवाल है कि क्या राज्यपाल का फैसला रहता, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बीच हेमंत सोरेन को यह बहुत बड़ा झटका दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।